राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करांगे आप हरियाणा कॉलेज में जो ओपन काउंसलिंग है उसमें आपकी कितनी ज़्यादा सीटें बचे हुई हैं, किस का चांस है कि आपका एडमिशन हो सकता है, किन बच्चों का एडमिशन नहीं हो सकता है, किस कॉलेज में कितनी ज़्यादा सीटें खाली हैं, तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो आपके जो हरियाणा के कॉलेज है, मेनली आपका सबसे ज़्यादा कंपटीशन रोहतक में और हिसार में रहता है। तो आपके जो रोहतक के कॉलेज है उनके बारे में बताएंगे आज की किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। तो जो आपका हरियाणा का नंबर एक कॉलेज है उसमें बहुत सारी सीटें खाली है। तो पहले आपकी जो न्यूज़पेपर की कटिंग है इसको पढ़ लेते। कॉलेजों में 4675 विद्यार्थियों ने भरी फीस, अभी भी 8515 सीटें खाली। यानी कि आपके ये रोहतक अखबार है, रोहतक के कॉलेजों में अभी भी 8500 के अप्रोक्स आपकी सीटें खाली हैं। तो इसमें आगे बता दिया कि कौन से कॉलेज में कौन कितनी सीटें खाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो निक्कीराम कॉलेज जिसमें 2160 सीटें टोटल है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1220 सीटें ही भरी हुई हैं। लगभग आपकी देख लो इसमें 900 के अराउंड आपकी सीटें खाली हैं। तो आपको अगर बढ़िया परसेंटेज मिली है तो आप यहां पे एडमिशन करवा सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका जाट कॉलेज है, जाट कॉलेज में देख सकते हो आप 2520 सीटें, लेकिन 700 सीटें ही भरी हैं। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो कितनी सीटें खाली, 1800 सीटें खाली है जाट कॉलेज में। तो जिसका भी एडमिशन नहीं हो भाई उसका एडमिशन ज़रूर होगा, तो जाट कॉलेज में कम कंपटीशन है तो आप जा सकते हो। उसके बाद जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन है, ठीक है, आईसी कॉलेज है, उसमें आपकी सीटें मतलब कम है कि आपकी 800 के अप्रोक्स आपकी सीटें खाली हैं। उसके बाद सैनी कॉलेज में देख सकते हो आप अभी भी 400 सीटें खाली हैं। उसके बाद आपका सांपला वाला कॉलेज है, उसमें भी आपकी आधी की सीटें खाली हैं। गोड़ कॉलेज में आपकी लगभग 1000 सीटें खाली रह गई हैं अभी भी, ठीक है। वैस कॉलेज है, उसमें भी आपकी देखो लगभग 600 के अराउंड सीटें खाली हैं। किशोरी कॉलेज में भी आपकी लगभग 650 के अराउंड आपकी सीटें खाली रहने वाली हैं। उसके बाद वेस्ट कॉलेज गर्ल्स का है, उसमें देखो आप बहुत सारी सीटें खाली। तो आप देख सकते हो कि वीडियो में सभी के बता रहे हो। हिंदू कॉलेज में देख सकते हो आप अभी तक लगभग आपकी 1500 के अराउंड सीटों में से 300 ही भरी है, तो 1200 सीटों के अराउंड खाली है। तो अब बात करते कि सीटें क्यों खाली है, क्या रीज़न रहा है, आपने क्या गलती की जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहे। तो बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन फीस कटवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने कॉलेज में नहीं जाते, तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। या फिर बच्चे एडमिशन ही लेना चाहते, अपनी मर्जी का कॉलेज नहीं मिला, इस वजह से सीटें खाली है। तो ये मौका है जिन बच्चों के कम परसेंटेज आई है उनके लिए, वो अपने मर्जी से कोई मतलब ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज में आसानी से एडमिशन करवा सकता है। जाट कॉलेज में करवाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया कॉलेज है। आप और कॉलेज में करवाओ, निक्कीराम में करवा लो अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है। तो आपकी ये सीटें देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो 90 या फिर 90 थोड़ी सी डाउन भी आ सकती है निक्कीराम की कट ऑफ, और दूसरे कॉलेजों की तो आनी है ही भाई, क्योंकि सीट देख सकते हो आप कितनी खाली है। जितनी कम सीटें खाली होती उतनी ज्यादा मेरिट लिस्ट जाती है, जितनी ज्यादा सीटें खाली होती है उतनी कम मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। तो आपकी जो सीटें वो बहुत ज्यादा बची हुई तो मेरिट लिस्ट बहुत कम आएगी, मतलब बहुत ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में यही चीज समझानी थी, होप करता हूं समझ आ गई होगी, आपका स्ट्रेस कम हो गया होगा कि देख के कि हाँ इतनी ज्यादा सीटें खाली है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो।